हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओके, डूइंग गुड. ओके, वंस अगेन वेलकम बैक. टुडे वी विल डू राइट कैपिटल कर्सिव ए. ओके स्टूडेंट्स, राइट कैपिटल कर्सिव ए. ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. Open your English notebook. First of all, you have to mention your date and classwork. Okay, students, आपके English के notebook में back side में आपको capital A write करना है. Okay, front में small cursive के बाद में capital A to Z है, but आपको last में आके आपको practice के लिए आपको A mention करना है. Okay, so let's start. स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 and 4 फोर लाइन होती हैं. अब हम थर्ड के थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हुए मेक अ कर्व, गो अप, कम डाउन एंड टर्न. ओके स्टूडेंट्स, आपको कैपिटल ए में आपको जब आप स्टार्ट करेंगे राइट करना तो आपको बिल्कुल भी उसमें पेंसिल नहीं उठानी. वन टाइम स्टार्ट करते हुए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आप पेंसिल का पॉइंट ऊपर बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम. 1, 2, 3 थ्री लाइन पे टच करते हुए मेक अ कर्व, एक स्मॉल कर्व बनाएंगे आप. गो अप, ऊपर रेड लाइन से टच करना है. डाउन, कम डाउन, नीचे की तरफ आएंगे. फिर मेक अ टर्न. ओके, दिस इज अ कैपिटल कर्सिव ए. ओके, मेक अ कर्व, गो अप, कम डाउन, टर्न. अंदर की तरफ टर्न करना है. बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद ही आपको पेंसिल ऊपर करनी है. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए हमारा वर्क. आपको नोटबुक के लास्ट में जाके, यस, लास्ट टेस्ट के बाद में. ओके स्टूडेंट्स, जहाँ टेस्ट राइट हो रखा हो उसके नेक्स्ट पेज से ही आपको कैपिटल कर्सिव ए स्टार्ट करना है. कंप्लीट करके आपको हाफ पेज क्लास वर्क है और हाफ पेज आपका होमवर्क है. आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है. थैंक यू.